पहले फरीदकोट के सादक में चल रहे नजायज रेत के कारोबार की खबर नशर हुई थी। उसके बाद ये मुद्दा अकेला फरीदकोट का न होकर पूरे पंजाब में चल रहे नजायज रेत के कारोबार को बंद किए जाने के लिए सभी विरोधी पार्टियों द्वारा विधानसभा में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ये मुद्दा उठाया हुआ था, जिसके चलते फरीदकोट में श्रोमणी अकाली दल के बुलारे परमबंस सिंह बंटी रमाना की ओर से एसएसपी और डीसी को इस कारोबार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मांग पत्र दिया गया। दूसरी ओर पत्रकारों से बातचीत करते परमबंस सिंह बंटी रमाना ने कहा कि सरकार के नाक के नीचे सड़कों के करीब 50-50 फीट गहराई से नजायज गड्ढों में से किश्तियों के साथ रेत निकालकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इस संबंध में बंटी रमाना की ओर से उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इससे संबंधित जब एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फरीदकोट में जंडवाला और डोड़ गांव में नजायज रेत निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग पत्र दिया है। उन्होंने इस बारे डीसी साहब को कार्रवाई करने के लिए लिख देने की बात कही। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन रेत माफिया पर कब नकेल कसती है या फिर नजायज माइनिंग के साथ सरकार को करोड़ों का चूना लगता रहेगा। फरीदकोट से टुडे 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। टूट पिंड का मसला है जिधर कि इन्होंने मांग पत्र दिता कि उत्थे जी माइनिंग चल रही उन्होंने चैक किया जाए। एक ऑक्शनड लैंड है जी ऑक्शन हुई सी ये माइनिंग करने वास्ते, पर जे ये कोई वायलेशन हो रही है तो डी सी साहब ने मेरे वालों फॉरवर्ड कर दिता जाए तो एज पर हिज डायरेक्शन एंड रिपोर्ट अगली कार्रवाई ये की जाए। दो जगह ने जिहड़ियां ऑक्शन ने उन्होंने दोनों जगह पर चल रहे, एक जंडवाला है तो एक डोट पिंड है। इस तो अलावा होर किधर नहीं चल रहा। ये ट्रैफिक जिहड़ा इंचार्ज है उन्होंने असी डायरेक्शन कर दी कि जिहड़ियां भी इहो जिहियां ट्रालियां जिहड़ियां कि रूल दे वायलेशन च है, पर्टिकुलरली जे कोई मॉडिफाइड है जिहड़ी नहीं चलनी चाहिए उन्हूं बाउंड कीता जाए। इलीगल माइनिंग नू लेके अज असी एसएसपी साहब नू ते डीसी साहब नू मिले हैं। जिहड़ी शरेआम सरकार दे नक थले करोड़ां रुपया दा सरकार नू चूना ला के इलीगल माइनिंग हो रही है, मेन रोडां ते खड्डे पट के 50-50 फुट जिहड़े डूंघे खड्डे पट्टे है ते उत्थों रेत कढ़ के नजायज तरीके नाल वेची जा रही है। जिहड़ियां खड्डां ऑक्शन नहीं हुईआं उह जमीनां भी पट्टियां जा रहीआं, जिथे कोई ऑक्शन हुई सी उह 50-50 फुट डूंघियां पट के ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਬਰਸਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਦਿੱਤਾ।